हेलो गाइज, दिस इज मी शीमा भट्ट एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आप सोच रहे हो कि इसने इतनी सारी चीज़ें फैला के क्यों रखी हैं। मैंने इसलिए फैला के रखी है क्योंकि हम करने वाले हैं, आज बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, जो कि ब्रेड से हम बनाते हैं। तो इसलिए मैंने एक ब्रेड रखी है और इसके साथ दूध भी रखा है। दूध कहाँ पर ऐड होता है, कैसे ऐड होता है, तो वो मैं आपको सारा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया पैन और इसमें हम डालेंगे चीनी हमें चाशनी के लिए, तो इसलिए मैंने पहले ये रखा, फिर खाली गैस पर रखना है। तो इसलिए तो चीनी हमने दो चम्मच ही डाले, तो हम ज़्यादा नहीं बनाने वाले, कम ही बनाएंगे, 4-5। और इसलिए हम डालेंगे अब पानी और इसको हम रखते हैं अब साइड में, थोड़ा सा हिला देंगे और इसको हम रखते हैं साइड में। तो अभी हम ब्रेड निकालने वाले हैं और ब्रेड को जो ये ब्राउन ब्राउन साइड में होता है ना, तो ये हमें रिमूव करना है, वरना ये उसमें गुलाब जामुन में तो ये अजीब लगेगा, तो ये रिमूव करना है, खाली वाइट वाइट हमें लेना है। तो ये हम साइड में रखते हैं और पहले कट करते हैं इसको। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे बाउल और इसमें मैं डालूँगी जो ये ब्रेड है, तो वही कट करके डालूंगी। आप ऐसे भी डाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो अब हम डालेंगे इसमें दूध जो है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है वरना ये ख़राब हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर से टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए मिल्क पाउडर एक चम्मच मैंने डाला। तो अब इसको मिक्स करना है अच्छे से और आप गोल 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 बनाने हैं, लेकिन गोल बनाने से पहले आप अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाना, ताकि वरना ये चिपक जाता है, तो ये चिपके ना। तो फिर आपको साइड में इस प्लेट पर रखना है। दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना था इसमें, लेकिन मैंने एक साथ डाला तो वो शायद गलती हो गई मुझे, इसलिए चिपक जाता है थोड़ा हाथों में, तो फिर भी मैंने ऑयल लगाया था। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल में इनको डाला, तो ये जो हमारे गुलाब जामुन 6 बन गए, तो किसी एंगल से मुझे नहीं लग रहा ये गुलाब जामुन है, तो चलो क्या ही कर सकते हैं, अब ऐसे ही बन गए। तो अब हमें इनको ब्राउन करना है। तो यहाँ पे हमने रखा जो वो चाशनी के लिए हमने, तो ये थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। तो चाशनी जो है रेडी हो चुकी है, अभी हमने इसमें डाले गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन देख के मुझे हंसी आ रही है। तो अभी मुझे ना कहीं जाना है बाहर, तो पहले वहाँ चलते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ से आके मैं टेस्ट करके बताऊँगी आपको। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं दरगाह हज़रत बिल। आज फ्राइडे है, तो यहाँ का मार्केट बहुत ही फेमस है हमारे कश्मीर में, जिसको हम फ्राइडे मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ें मिलती हैं, अभी देखते हैं क्या कुछ मिलता है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये जैकेट जो है ये है 500 रुपीज़ में, ये फ्रेश है। तो और इनके कलर्स बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं इसमें। अब मेरी गैलरी में ना सब कुछ डिलीट हो गया, जो मैंने ये वाला दरगाह वाला वीडियो बनाया था ना फ्राइडे, तो सब कुछ डिलीट हो गया, खाली ये 2-3 क्लिप्स मेरे फ़ोन में बची थी, तो वो मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया। मैं कर रही थी डिलीट वीडियोस, तो मुझे पता ही नहीं चला मैंने कैसे ये वाला वीडियो भी डिलीट किया, मैंने सारा वो एडिट करके रखा था, तो मैंने वो वाला वीडियो भी डिलीट किया। मैंने बहुत कोशिश की थी एप्लीकेशन डाउनलोड की, लेकिन वो वीडियो मुझे वापस नहीं आया, वो मैंने परमानेंटली डिलीट किया था, तो मुझे पता ही नहीं था उसके साथ वो वाला वीडियो भी है, कि बहुत सारे वीडियोज़ मैंने एक साथ डिलीट किए, तो उसके साथ वो भी हो गया। तो बहुत बुरा लगा मुझे तब, जब मैंने देखा कि मेरा वीडियो डिलीट हो गया, वो भी एडिट करके, तो बहुत टाइम लगा था उसके साथ, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी ना मुझे ये वाला वीडियो मैं अभी एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे सच में रोना आ रहा है, क्योंकि मतलब वो मैंने इतनी मेहनत की थी ना उस पर, कि फिर वो मुझे डिलीट हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम, मतलब अभी भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। तो बस ये वाला वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में अब कोई भी वीडियो नहीं बचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।